मित्रों नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूँ नारायण वेदराज और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेदिक उपचार में। जी हाँ मित्रों, मेरा सभी से विनती है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और संपूर्ण जानकारी पाएं। मित्रों, अगर आप आयुर्वेद से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी जानना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हर एक वीडियो की जानकारी, हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो मित्रों, आज मैं आपको तुलसी की संपूर्ण जानकारी है, तुलसी की प्रमुख प्रजातियों की जानकारी देता हूँ। मित्रों, ये है तुलसी है। तुलसी मुख्यतः है 5 प्रकार की होती है, श्याम तुलसी, कृष्ण तुलसी और जिसे हम काली तुलसी भी बोलते हैं। दूसरी होती है राम तुलसी, जो सफ़ेद इसकी पत्तियाँ राम तुलसी की होती है, वो हरी कलर की होती है। ये देख लीजिए, ये हरी कलर की है, ये है राम तुलसी और ये है श्याम तुलसी। और तीसरी होती है विष्णु तुलसी, जिसे स्वस्थ तुलसी बोलते हैं। चौथी होती है वन तुलसी, जिसे जंगल तुलसी बोलते हैं। जंगल तुलसी भी बहुत फ़ायदेमंद है, जिसका वीडियो मैंने बनाया हूँ, कुछ ही समय में उसको अपलोड किया जाएगा। और पांचवा जो तुलसी होती है वो होती है नींबू तुलसी, ये भी बहुत फ़ायदेमंद है, इसका तांत्रिक लोग प्रयोग करते हैं। और तुलसी की माला भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो चलिए तुलसी के बारे में जानकारी देते हैं, राम तुलसी और श्याम तुलसी में अंतर। राम तुलसी का बॉटेनिकल नाम होता है ओसिमम सेंक्टम और श्याम तुलसी का जो बॉटेनिकल नाम होता है टेनुफोलोरम। और राम तुलसी जो होती है यह हरी भरी होती है, इसका प्रयोग पूजा पाठ में किया जाता है। और श्याम तुलसी जो होती है इसकी पत्तियाँ, इसकी मंजरी, इसकी शाखाएँ आप देख रहे हैं बैंगनी कलर की होती है। ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी क्लोसिस और एंटी वायरल गुण होते हैं, ये हर प्रकार की बीमारी को दूर करती है। इसका काढ़ा बनाकर अगर आप पीते हैं, सेवन करते हैं तो बहुत ही फायदेमंद है। इसका काढ़ा कैसे बनाना है, 8 से 10 पत्ते ले ले, अदरक की गांठ ले ले 10 ग्राम, काली मिर्च ले ले 4 से 6 और 50 ग्राम गुड़ ले ले। इसको आप अच्छा पानी ले ले आधा लीटर और उसमें खूब पकाएं, जब आधा रह जाए तो इसका सेवन सोते समय करें। यह स्टेमिना पावर को बढ़ाती है, आंखों की रोशनी को बढ़ाती है, महिलाओं संबंधी हर प्रकार की परेशानी को करती है दूर, पेशाब संबंधी परेशानी को करती है दूर, तनाव को दूर करती है, एलर्जी, जिनको एलर्जी की समस्या बनी रहती है उनको भी बहुत फ़ायदेमंद है यह श्याम तुलसी। बालों की समस्या के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जिनको पेट की समस्या है, पेट में कीड़े हों या पेट में ऐठन होती हो, खून की परेशानी हो, जिनका खून में कुछ इन्फेक्शन बन गया हो, यह खून को साफ करने की बहुत ही अद्भुत औषधि है। मित्रों, शंख पुष्पी और ये जो तुलसी होती है श्याम तुलसी, इसमें खून साफ करने की अद्भुत शक्ति होती है। और इसकी जो माला होती है ये बुरी नज़र से बचाती है, दिमागी शांति को दूर करती है, दिमागी शांति बनाए रखती है। और इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, ये मलेरिया बुखार को दूर करती है, कलरा को दूर करती है, उल्टी होने वाली इस दिक्कत को दूर करती है। अगर किसी को उल्टी हो रही है उसको 7 पत्ते अगर चबा ले और पानी पी ले तो उल्टी दूर हो जाती है। कान दर्द में इसके पत्तों का रस अगर कान में डाला जाए तो कान का दर्द भी ठीक होता है। फेफड़ों के रोग, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, डायबिटीज़, ल्यूकोडर्मा, दांत खाज, खुजली और इसमें भी बहुत फ़ायदेमंद है। अगर किसी को दांत की समस्या बनी हुई है तो वो इसका सेवन करे तो उसका खून साफ होगा और खून साफ होगा तो दांत की समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। दांत की जो समस्या होती है वह फंगल्स के कारण होती है, जो फंगस होती है उसके कारण होती है। तो मित्रों, यह कफ खांसी को दूर करती है, इसमें कफ को दूर करने की शक्ति होती है। ये जो तुलसी होती है अगर आप इसकी पत्तियों को, इसकी अगर इसको सुखा लेते हैं, इसकी पत्तियों को और इसकी चूर्ण में 1 चम्मच चूर्ण और 1 चम्मच शहद मिलाकर सेवन करते हैं तो कफ खांसी दूर होती है, किसी प्रकार की खांसी हो उसमें बहुत फ़ायदा होता है। तो मित्रों, कैसी लगी जानकारी कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भाई बहनों को इस जानकारी का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। मित्रों, सभी भाई बहनों से मेरा कहना है कि आप आयुर्वेद को अपनाएं और जीवन को अपने सुखी एवं सफल बनाइए। तो मित्रों, मिलता हूँ एक आयुर्वेदिक औषधि और एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।